के मोदी के अहंकार की हार हुई है। विश्वनाथ की भूमि से मोदी खुद को अविनाशी बता रहे थे और अयोध्या में कह रहे थे कि हम राम को लाए हैं, तो अयोध्या की जनता को साधुवाद कि उन्होंने मोदी के अहंकार को हराया है और उन्होंने धर्म की राजनीति के ऊपर मुद्दों की राजनीति की जीत करी है। अब बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, वो अयोध्या के लोगों को गाली दे रहे हैं कि भाई आपने जो है हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया। यही काम वो दिल्ली के हिंदुओं के साथ कर रहे थे जब केजरीवाल की 62 सीटें आई थी। तो आप कभी हिंदुओं को, दिल्ली के हिंदुओं को गाली देते हो, कभी अयोध्या के हिंदुओं को गाली देते हो और आप खुद को अविनाशी बताते हो। विश्वनाथ की भूमि से आप खुद को अविनाशी बताते हो, कहते हो मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, तो आपके अहंकार की हार हुई। आपको बैसाखी की सरकार मिली है और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू वो व्यक्ति है जो आंध्र प्रदेश के अंदर मुस्लिम आरक्षण को देने वाला व्यक्ति है, तो चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से आपकी सरकार चलेगी। अब आपकी जो तानाशाही है उसका अंत होगा। कांग्रेस की क्या 99 पा के इतना उछल रहे हैं, 99 सीट पा के आप उछल, बहुत पीछे हैं बीजेपी से। अगर अलायंस भी जोड़ देंगे तब भी वो सरकार नहीं बना पाएंगे, हमसे तो बहुत पीछे, हमारी सरकार भी, हमारे अलायंस भी हैं, लगातार लोग आ रहे हैं उसमें, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम सरकार बेहतर चलाएंगे, जहाँ पे कमियाँ हुई हैं, जो हमें जनता ने थोड़ा सा सचेत किया है, तो हम उस पर ध्यान देंगे कि यूपी में हमारा कॉन्फिडेंस था, यूपी में बहुत विकास कार्य हुए हैं, लेकिन फिर भी स्वीकार करते हैं कि अगर कहीं से कोई कमी हुई है तो उसको, लॉ एंड ऑर्डर देख ही रहे हैं यूपी में आप, योगी जी के नेतृत्व में अभी कोई वहाँ क्राइम बचा नहीं, कुछ अपराधी कोई बचे नहीं, सब क्लियर है सब, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी हम सरकार उसमें हम लोग चलाएंगे, उसमें सारी चीज़ें, अभी कितने काम पेंडिंग है वो होगा निश्चित तौर पे। प्रधानमंत्री जी का तीसरा कार्यकाल बड़े निर्णय वाला होगा। ममता बनर्जी और अखिलेश कभी भी सहन नहीं करेंगे उसको ऊपर प्रधानमंत्री बनाना भी। सर एक सेकंड, क्यों कर देंगे 37 सीटें अगला जीत रहा, अतीक अहमद को संसद में बैठा देते हैं अखिलेश यादव, ये कन्हैया कुमार को बैठाएंगे, एक देशद्रोही को, देखिए हार गए। मैं ये कह रहा अगर जीत जाते क्या उसको संसद में बैठा दो, चलिए हार, तो इनकी सोच देश के विरुद्ध ऐसी है, ये बैसाखी नहीं, बैसाखी लायक भी नहीं। मुस्लिम आरक्षण देने वाले चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को आरक्षण देकर उसकी दया पे मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। एक मिनट, कर्नाटक में कांग्रेस ने दिया वो वक्त, हाँ वो भी दिया है, कांग्रेस तो करती है पर मुस्लिम आरक्षण देने वाले आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण दिया चंद्रबाबू नायडू ने, उसकी दया पे मोदी सरकार बना रही है। आज से पहले ये कोई टॉपिक था ही नहीं कि ये एनडीए में चंद्रबाबू नायडू साथ है नहीं है, अब ये 4 तारीख के बाद एक्चुअल में अपोजिशन को बड़ी चिंता होने लगी है नायडू जी। सर बात ये है, अभी कल तक लोग ये कह रहे थे जो चाहते हैं राहुल गांधी के। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो लोकसभा चुनावों के जो नतीजे थे इस बार, वो जब देखने को मिले कि किसी भी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अपने दम पर नहीं मिली है, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जो एनडीए के घटक दल हैं उनको मिलाकर के ये आंकड़ा जो है वो 293 इस बार बैठ रहा है। और अब सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आ रही है, 8 जून की जगह 9 जून को जो है प्रधानमंत्री मोदी फिर से जो है शपथ ले सकते हैं, शाम को 6 बजे का जो है समय सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है, क्योंकि एनडीए के सभी जो घटक दल हैं उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। और साथ ही साथ और भी बाकी जो दल हैं, जैसे उद्धव ठाकरे को संपर्क किया जा रहा है, शिरोमणि अकाली दल पुराना साथी रहा है एनडीए का, वो भी साथ में आ सकता है, और कुछ निर्दलीय सांसदों को भी साथ में लेने का प्रयास इस समय चल रहा है। दिल्ली में हम मौजूद हैं, जनता से बात करेंगे कि क्या लग रहा है उनको, क्या जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उनकी राय है अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है इसको लेकर के। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार पांडे है। कहाँ से हैं पांडे जी? मैं तो वाराणसी से हूँ मूल रूप से। वाराणसी से हैं? हाँ। वाराणसी से इस बार फिर से नरेंद्र मोदी चुनकर आए हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें वो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है उनका। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, वोटिंग परसेंट बहुत कम हुआ है। प्रधानमंत्री जी का तो इतना कम होना हम लोग एक्सेप्टेड ही नहीं था, हम लोगों को सोचे भी नहीं थे, लेकिन राजनीति है, जनता अपना निर्णय जो भी देती है वो निर्णय स्वीकार है सभी को। अब कहाँ कमी रह गई, क्या हुआ उस पर हम लोग करेंगे। हालांकि तो पूरे यूपी में भी हुई, इतना लेस एक्सपेक्टेशन तो नहीं। हाँ यूपी में भी देखने को मिला, पूरी पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने ज़्यादा सीटें जीती हैं। वहीं तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि चाहे हाईवे की बात कर लें आप, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, चाहे वाराणसी में किसी भी मामले में आप, स्टेडियम बन रहा हो, 4 लेन 6 लेन सड़कें हो, एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, अयोध्या में आपने देखा कितना काम हुआ, लेकिन मुझे लगता है कुछ और मुद्दे थे जिन पे हम लोग जनता को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, जैसे बढ़ती महंगाई या जो भी हो, तो फिर से गंभीरतापूर्वक विचार करने की इस पर जरूरत है कि कहाँ। जो रिजल्ट है, जनता जनार्दन है, उन्होंने अपना जनादेश दिया है,
एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी एक पार्टी को तो नहीं है, लेकिन आप नंबर डिफरेंस देखेंगे तो कांग्रेस 99 पे है सेकंड नंबर पर, अगर है बीजेपी 240 पर है और 9 जून को सरकार बनाने जा रहे हैं, शपथ लेने जा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस की क्या 99 पा के इतना उछल रहे हैं, 99 सीट पा के आप उछल, बहुत पीछे हैं बीजेपी से। अगर अलायंस भी जोड़ देंगे तब भी वो सरकार नहीं बना पाएंगे, हमसे तो बहुत पीछे, हमारी सरकार भी, हमारे अलायंस भी हैं, लगातार लोग आ रहे हैं उसमें, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम सरकार बेहतर चलाएंगे, जहाँ पे कमियाँ हुई हैं, जो हमें जनता ने थोड़ा सा सचेत किया है, तो हम उस पर ध्यान देंगे कि यूपी में हमारा कॉन्फिडेंस था, यूपी में बहुत विकास कार्य हुए हैं, लेकिन फिर भी स्वीकार करते हैं कि अगर कहीं से कोई कमी हुई है तो उसको, लॉ एंड ऑर्डर देख ही रहे हैं यूपी में आप, योगी जी के नेतृत्व में अभी कोई वहाँ क्राइम बचा नहीं, कुछ अपराधी कोई बचे नहीं, सब क्लियर है सब, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी हम सरकार उसमें हम लोग चलाएंगे, उसमें सारी चीज़ें, अभी कितने काम पेंडिंग है वो होगा, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी का तीसरा कार्यकाल बड़े निर्णय वाला होगा, और वो उनकी ये मनसा भी है कि हम कुछ अच्छे आमूल चूल परिवर्तन करें, कुछ निर्णय लें जो जनता के हित में हो, और महंगाई के लिए जैसा वो हमेशा सचेत रहते हैं, महंगाई कम करने पे भी वो लगातार, युवाओं को रोजगार देने के लिए, इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ती जा रही है देश में युवाओं की, लाखों लाखों की संख्या में युवा निकल रहे हैं, सबको गवर्नमेंट जॉब देना पॉसिबल नहीं है, तो इसका एक वो निकालना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कि कैसे हम सबको मर्ज करें, कि लोगों को कैसे मदद करें कि लोग खुद ही पैसा कमाएं, नौकरी के पीछे वो मजबूर ना हो या नौकरी के पीछे अपनी समय ना लॉस करें। मैं भी कई समय से जो है चुनाव कवर कर रहा हूं, राज्यों के भी कवर किए हैं, इस चुनाव में एक चीज जो मेरे आंकलन से जो मुझे अच्छी देखने को मिली कि इस बार ईवीएम का नाम बर्बाद नहीं हुआ, और एक अच्छी चीज बीजेपी की जो मैं ये देख रहा हूं, जैसे आप भी उसी उत्तर प्रदेश से आते हैं, कि जो अपनी हार है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जनता ने जनादेश कम दिया है और हम इस पर मंथन करेंगे और इस पर सुधार करेंगे, ये पॉलिटिक्स के नाते एक अच्छी चीज, लोकतंत्र के लिए अच्छी। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, जनता ने जनादेश दिया है तो ये निश्चित है कहीं ना कहीं बीजेपी के वो कार्यों से उतनी खुश नहीं है, दिक्कत तो है। अब उसको उन जनता ने अपना फीडबैक दिया है, अब इनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको बैठ के एनडीए की बैठक अलग से करके वो उस पर विचार करें, उस कमियों को दूर करें, नहीं तो आगे आने वाले समय में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 2027 में यूपी लाइन पे है चुनाव, अभी दिल्ली में होने हैं, तो ये एक फीडबैक, बड़ा फीडबैक है। आप देखिए गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, चंदौली, सारी सीटें भाजपा हार गई, समाजवादी पार्टी जीत गई जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, तो किसी को कमजोर नहीं समझा भी, वोट बैंक सब उधर, किसी को हाँ वोट बैंक चला गया, तो किसी को कोई, आप ये हवा में कि सांसद सोच रहे थे मोदी जी की लहर है, जीत जाएंगे, काम नहीं करेंगे, नहीं, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप हरा दिए जाएंगे, जनता आपको हरा देगी, वो आपको वोट नहीं देगी, तो ये एक सबक है। दूसरा कि काम तो लगातार चल ही रहे हैं, और अभी जो और जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे युवाओं को रोजगार देना और तमाम मुद्दे चुनाव में आए थे कि युवा खुश नहीं है, युवाओं के पास कम है, ये सच बात है, रोजगार उतना नहीं दे पा रहे हैं। देखिए रोजगार से मतलब होता है युवाओं के जेब में पैसा आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट में ही 40,000 कमाइए, यदि आपको रोजगार प्राइवेट सेक्टर में मिल रहा है, यदि आपको रोजगार अपनी छोटी मोटी दुकान से मिल रहा है, तो पैसे तो आ रहे हैं ना, तो अच्छी बात है, इसी पे काम करना चाहिए, मोदी जी जैसा कर रहे हैं इसको बढ़ाना चाहिए, हर किसी को काम मिले, हर किसी को पैसे कमाने का जरिया मिले, तो वो युवा फिर भटकेगा नहीं, अपराध की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं सरकारी नौकरी कितनों को देंगे आप, घर में चार भाई हैं तो क्या चारों को तो आर्मी में भेज नहीं देंगे, एक दो तो रह ही जाएंगे, तो उनको क्या होगा, तो उनको कहीं ना कहीं देना है, हमको काम देना है, बिजनेस करना है, वो आगे जाएं, वो चाह। कांग्रेस ने भी जो कैंपेन चलाया 140 करोड़ जनसंख्या में, वो 30 लाख सरकारी नौकरी देने का चलाया कि 30 ही लाख सरकारी नौकरी की वैकेंसी खाली बची हुई है इस देश में। कांग्रेस ने वो एक बोलते हैं ना चुनावी जुमला, आर या पार, तो राहुल गांधी ने सोचा फेंकते हैं, जुआ फेंकते हैं, अंधेरे अंधेरे कमरे में फेंकते हैं, कंकड़ कहीं लगी जाएगा, तो जनता है, इमोशनल है, उसमें कुछ लोगों ने आगे उनको वोट दिया, लेकिन वो क्या दे पाएंगे, क्या देश की स्थिति परिस्थिति, मोदी जी ने कहा है कि हम अपने देश को मजबूती देंगे, इकोनॉमी थर्ड इकोनॉमी बनाएंगे, तो काम तो कर ही रहे हैं लगातार, लेकिन ये भी निश्चित है कि कहीं ना कहीं चूक रह गई है। आपका क्या नाम? मेरा नाम संजय चौहान है। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। आप दिल्ली से हैं जी। जैसे इन्होंने जो बात कही, इन्होंने जो अपना आंकलन रखा, दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो ग्रैंड अलायंस हुआ दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को, और केजरीवाल ने पूरा प्रयास किया कि जेल का जवाब वोट से, लेकिन फिर से जनता ने वो हैट्रिक दे दी एक हिसाब से, 7-0 बीजेपी को क्लीन। भारतीय जनता पार्टी को जो दिल्ली में वोट मिला है, जो 7 सांसद जीते हैं, ये कार्य की वजह से जीते हैं, जो मोदी जी के कार्य थे, मोदी जी की जो नीतियाँ थी, उन सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी के पिछले जो 7 सांसद थे,
जन जन कल्याणकारी योजनाओं को घरों तक डिलीवर किया है, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो या और भी सारी योजनाएं हो। कोई भी व्यक्ति आकर मंच पे ये नहीं कह सकता कि मोदी जी की योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिला है। इसी वजह से यही एक मेन कारण रहा कि मोहर जो लगी है भारतीय जनता पार्टी पे, सातों की सातों सीट क्लीन स्वीप किया है। ऐसी उत्तराखंड में किया है, ऐसी मध्य प्रदेश के अंदर किया है, हिमाचल के अंदर किया है। तो ये इस बात की गारंटी है मोदी जी की कि मोदी जी ने जो भारत को विकसित बनाने का एक स्वप्न देखा है, भारत को जिस दिशा में वो लेके जा रहे हैं, भारत की प्रगति, भारत की समृद्धि को साथ लेकर, भारत के युवाओं को साथ लेकर जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि कांग्रेस जो है 99 के चक्कर में फंस गई है, 99 सेलिब्रेशन पूरा सब जगह, तो मिठाइयां बढ़ रही है, जश्न मन रहा है कांग्रेस के उसमें, और बीजेपी में यहां पर थोड़ा सा इतना सेलिब्रेशन नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर अपना इतिहास उठा के देखे, खास करके राहुल गांधी जी, तो वो देख पाएंगे कि 1996 के बाद आज तक कांग्रेस पार्टी अपने दम पर 240 का आंकड़ा छू नहीं पाई है। कभी 54 सीटें, कभी 99 सीटें, कभी 140 सीटें, कभी 114 सीटें। 28 वर्षों के पिछले 28 वर्षों से कांग्रेस पार्टी अपने दम पर 240 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। 65 वर्षों तक सत्ता पर राज करने के बाद, देश के ऊपर राज करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी यदि उस आंकड़े को नहीं छू पा रही है, तो ये कांग्रेस पार्टी को बैठ के सोचना है वो लड्डू किस बाट के बांट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जब हम देखते हैं कार्यकाल में, तो हमें दो चीज़ें याद आती हैं जो उन्होंने नसबंदी जैसे कार्य और इमरजेंसी जैसे कार्य किए थे। वो तो इनका शुक्र है कि गठबंधन करके सीटें लेके आ गए हैं यहाँ पे, तो कुछ अपने लड्डू का जश्न मना रहे हैं। बाकी इनके कार्यों के आधार पे जनता ने इनको नकारा है। मेन बात रही, भारतीय जनता पार्टी को खंडित जनादेश मिला है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत 272 नहीं जुटा पाई। बात सही है जनता के अंदर या युवाओं के अंदर या एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए, लेकिन एक बात है, जनता ने थोड़ी सी नाराजगी अवश्य दिखाई है, बगावत नहीं की है, बगावत नहीं की है, नाराजगी दिख रही है। वो हमें पूरा नहीं मिला है बहुमत, लेकिन ठीक है, अलायंस में हम साथ में हैं, एनडीए के साथ में हैं, और मोदी जी शपथ लेने वाले हैं 8 तारीख को, 9 तारीख को ले रहे हैं, तो अच्छे से सरकार चलाएंगे आने वाले 5 वर्षों में। और जो कार्य अभी रह गए हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून है, UCCC है, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें। माहौल ये भी बन रहा है कि पूरी जो है यहाँ पर मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के लिए बीजेपी को नहीं मिली है, तो वो जो बड़े फैसलों की बात कर रहे थे, यूसीसी है, वन नेशन वन इलेक्शन है, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून है, तो क्या ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएगा मोदी जी के लिए? देखिए, जो एनडीए के पार्टनर हैं वो खुद इस पक्ष के पक्षधर हैं कि ये सब चीज़ें लागू होनी चाहिए। कारण क्या है, जब हम देश निर्माण की बात करते हैं, भारत को सशक्त बनाने की बात करते हैं, तब चाहे हमारे नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, वो देश से आगे नहीं सोचेंगे, वो देश को सर्वोपरि रखेंगे। हम उनसे ऐसी प्रार्थना भी करते हैं, ऐसी अपील भी करते हैं कि जो भारत का हमारा निर्माण, जो हमारे भारत का निर्माण होगा, जो हम सशक्त भारत बनाने की बात कर रहे हैं, जो हमारे तीसरे वर्ल्ड में तीसरी इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, वो तभी संभव होगा जब हमारे एनडीए के जो अलायंस पार्टनर हैं वो एक राह पर चले। यदि आप इस जो कांग्रेस पार्टी है जो दुष्प्रचार कर रही है, खास करके हमारे एनडीए पार्टनर्स के बारे में, कैसे नहीं होगा, वो मंत्रालय मांग रहे, ये मांग रहे, कोई इतना वैसा व्यक्ति नहीं है कि वो मंत्रालय के लिए समर्थन दे रहा है, ये दिल की आवाज़ है, उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी है, इसी करके वो बिना शर्त के समर्थन दे रहे हैं, और राष्ट्रपति जी को समर्थन पत्र जा चुका है। मोदी जी शपथ लेंगे और एक अच्छी सरकार, स्थिर सरकार चलेगी। आपसे भी पहले चर्चा हुई है कई बार, दिल्ली की अगर मैं बात करूं, जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहां पर बीजेपी ने जो है बड़ी संख्या से जीत हासिल की है, और उदित राज की अगर बात की जाए, कांग्रेस के वैसे देखा जाए तो नेशनल पॉलिटिक्स में एक बड़ा चेहरा है उदित राज, अलायंस भी हुआ आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन फिर भी दिल्ली सातों सीटें विपक्ष का हारना, लेकिन फिर भी लड्डू, कल मैं देख रहा सौरभ भारद्वाज जो जेल वाली फोटो पे केजरीवाल जी को वो लड्डू खिला रहे थे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी दिल्ली वासियों को और माताओं बहनों को बधाई देता हूँ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतना परसेंट, और जो उत्तर पश्चिमी लोकसभा को दिल्ली में नंबर 1,240,000 वोटों से माननीय योगी चंद्र को जिताया, उस क्षेत्र की जनता को हार्दिक धन्यवाद और बधाइयाँ। और जहाँ तक गठबंधन की बात है, विपक्ष की बात है, विपक्ष इतनी खुशियाँ मना रहा है, ये जनता ने जो मैंडेट दिया, बहुमत दिया है, बड़ा सूली का दिया है, जो बहिष्कार करते थे सदन का, जो कहते थे हमारी आवाज़ दबा दे रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, आज इस जनता ने बड़ा ही सोच समझकर बहुमत दिया है,
कांटे की टक्कर दी है बहुमत हमें एनडीए को। ईवीएम बर्बाद नहीं हुई, देखिए बदनाम नहीं, वो ईवीएम बदनाम करने का उनका पुराना राग है। अभी तो ईवीएम की बात थी, अब ये सदन के अंदर लोकसभा के पटल पर अब ये भाग नहीं सकते। जो कहते थे कि हमारी आवाजें दबा दी जाती है, हमारे को बोलने नहीं दे सकता, तो जनता ने उनको बोलने के लिए 238 सांसद भेजे हैं। अब कहां भागेंगे, जब देश हित के लिए, जब माननीय प्रधानमंत्री की अगुवाई में, एनडीए की अगुवाई में जब पटल पर लेकर जाएंगे, वो बहिष्कार करेंगे तो उधर जनता मारेगी, इधर सरकार मारेगी। ये जनता का आशीर्वाद है और प्यार है जो जनता ने ऐसा बहुमत दिया कि जो घड़ियालू आंसू हमेशा बातें थे कि हमें दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तानाशाही की बात करते थे, आज उनकी तानाशाही जनता को दिखेगी। और सर्वोपरि उनको जो कहते थे हम देश के हित के, युवाओं के हित के, किसानों की बात करते थे, जो किसानों को हम ये देना चाहते हैं, तो किसानों के हित में जब बिल आएगा उसका समर्थन करेगी या ना करेगी, ये जनता उनको आप सिखाएगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम ओजस अग्रवाल है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही है जी। बताइए, अभी पहले चल रहा था कि 8 तारीख को लेंगे शपथ, अभी है कि 9 तारीख को जो है शाम को 6 बजे शपथ लेने जा रहे हैं मोदी फिर से। देखिए, मोदी के अहंकार की हार हुई है। विश्वनाथ की भूमि से मोदी खुद को अविनाशी बता रहे थे और अयोध्या में कह रहे थे कि हम राम को लाए हैं, तो अयोध्या की जनता को साधुवाद कि उन्होंने मोदी के अहंकार को हराया है और उन्होंने धर्म की राजनीति के ऊपर, मुद्दों की राजनीति की जीत करी है। अब बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, वो अयोध्या के लोगों को गाली दे रहे हैं कि भाई आपने जो है हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया। यही काम वो दिल्ली के हिंदुओं के साथ कर रहे थे जब केजरीवाल की 62 सीटें आई थी। तो आप कभी हिंदुओं को, दिल्ली के हिंदुओं को गाली देते हो, कभी अयोध्या के हिंदुओं को गाली देते हो और आप खुद को अविनाशी बताते हो। विश्वनाथ की भूमि से आप खुद को अविनाशी बताते हो, कहते हो मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, तो आपके अहंकार की हार हुई। आपको बैसाखी की सरकार मिली है और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू वो व्यक्ति है जो आंध्र प्रदेश के अंदर मुस्लिम आरक्षण को देने वाला व्यक्ति है, तो चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से आपकी सरकार चलेगी। अब आपकी जो तानाशाही है उसका अंत होगा। तानाशाही ये तो कह रहे हैं, देखिए हार हुई है मोदी की। मोदी जी की हार नहीं हुई, मोदी जी की जीत हुई है। तीसरी बार हैट्रिक मारी है उन्होंने। और इनसे बताइए कि जो पूरा इंडिया अलायंस है उससे भी जो है बहुमत बीजेपी जो है उससे भी ज्यादा सीटें लेके आई, 240 सीटें आई बीजेपी की। इनसे बताइए इनकी कितने 99 पे रुके पड़े हुए। ठीक है ओ यार रुक जाना। देखिए ये सारी चीजें क्या है, अब ये कह रहे हैट्रिक मारनी कोई आसान नहीं होती सर। हैट्रिक में आपने देखा होगा क्रिकेट खेले योगी, तो क्रिकेट में होता क्या, लास्ट जैसे 2 विकेट आपने ले लिया और तीसरे विकेट आप ले लेते हो तब हैट्रिक होती है। तो कहने का मतलब 99 पे लोग आउट हो रहे हैं। खड़गे जी ने दरवाजे खोल रखे हैं नीतीश कुमार और नायडू के लिए, कभी भी आ जाइए। देखिए नीतीश कुमार और नायडू अगर साथ में चले भी जाते हैं ना, फिर भी उनकी सरकार नहीं बन रही, और फिर कैसे बनेंगे, 6-6 महीने वाले सरकार बनाएंगे क्या? यहाँ तो आपको बहुमत की सरकार मिल रही है। और ये साहब कह रहे थे ना दिल्ली में सातों, अब और देखिए अब आप देखिए वहाँ जो है वो जो है 3-3 महीने के बाद में एक प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्यों पहले क्या है, राहुल जी आएंगे 3 महीने के लिए, फिर उसके बाद में ममता दीदी आ जाएगी, उसके बाद में अखिलेश यादव आ जाएंगे। कहाँ से हैं आप? मैं तो बिहार से हूँ लेकिन रहता हूँ यहीं पे। अच्छा, लेकिन यार अभी तो बिहार की जो है अभी तो सबकी निगाहें बिहार की तरफ चली गई। नहीं, बिहार तो एक अलग बात है। देखिए इसमें जो है कि जितने भी है कहता है कि उसमें क्या एनडीए में प्रधानमंत्री के लायक कौन है, उसमें तो कोई है ही नहीं। आज कहते हैं कि वैसे राहुल बाबू बनेंगे, राहुल उसे तो कोई शहर ही नहीं, क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उसको तो कोई, मतलब अपने घर के लिए बात करने भी आ रही है कि इंडिया अलायंस नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का पद ऑफर। एक बात जान लीजिए, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, वो कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए छोड़ के वो कहीं नहीं जा सकते हैं। इतिहास तो कुछ हो गया, इतिहास छोड़ दीजिए, वो कहीं भी है लेकिन मोदी के छोड़ नहीं सकता। और जितने भी निर्दलीय भी हैं ना वो खाली देख रहे हैं। वैसे भी अगर ये दोनों हर अलग भी हो जाता ना, फिर भी इसके बहुमत है। कहाँ है बहुमत? क्यों नहीं बहुमत है? बता दो, अगर 90 भी है 100 मतलब कि 299 है, 290 में अगर 28 खत्म हो जाते फिर भी इसके पास में बहुमत है। लेकिन ये अभी जो है सरकार बनाने के लिए बनेगा, सरकार बनेगी लेकिन ये अभी जो है ना कि जो 2-4-1-2 सीट है ना उसको अब छोड़ के चल रहे हैं, ये उसको छोड़ करके चल रहे हैं। ऐसा है, देखो लड़ाई तो बताइए। मैं दिल्ली से हूँ, एडवोकेट हूँ,
दिल्ली हाई कोर्ट में, बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, धर्मराज सिंगल मेरा नाम है। और देखो जो आया है ना, अब नंबर और नामे की लड़ाई है। मोदी जी के पास नंबर हैं, राहुल जी के पास नामा है, नामा और नंबर की कंटेस्टिंग है। और 20 एमपी फालतू हैं, 272 292 हैं। रही बात नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर पलटी नहीं मारेगा, क्योंकि नीतीश कुमार को आभास है चंद्रशेखर के साथ क्या किया था इन्होंने, चौधरी चरण सिंह के साथ क्या किया था। और ये 6 महीने से अगर बना भी देंगे उप प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को, 6 महीने बाद बार भी कर देंगे, क्योंकि फिर नीतीश कुमार ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। चंद्र बाबू नायडू को मोदी ने 6 महीने पहले जेल में भेजा था, एक बार उनको ये बात कहा गया। जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने भेजा सर, चंद्र बाबू नायडू सर एक सेकंड सुनिए, आराम से बोलो। हो जीत सच्चाई की, झूठ की हो गई हार, आज सारे विपक्ष का काला मुंह करके मोदी बनाने जा रहे सरकार। सुन लो एक मिनट मेरी बात, बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में जब दिल्ली का मुख्यमंत्री मूर्ख मंत्री जेल के अंदर होता है, तो इस दिल्ली के अंदर स्कूल खाली कर दिए जाते हैं, बम की ईमेल आते हैं पुलिस प्रशासन के पास, फोन आते हैं, सूचना आती है, बम होते हैं, मार्केटों में आती है, दुकानों में आती है, सरकारी डिपार्टमेंटों में बम होने की सूचना मिलती है, ईमेल मिलते हैं। केजरीवाल जी बेल पे बाहर आ जाते हैं, पूरे इलेक्शन का प्रचार करते हैं, लेकिन एक ईमेल और एक सूचना नहीं मिलती पुलिस प्रशासन को, तो कौन करा रहा था भाई साहब? जनता अलग मैटर, उसमें जनता क्या बेवकूफ है? उन्होंने जो कहा था कि जेल का जवाब वोट से, वोट नहीं, जेल का जवाब कोई वोट से नहीं, बल्कि उन्हीं को चोट मिल गई। जेल का जवाब उनके ऊपर चोट लगी है बहुत जबरदस्त। वो ड्रामेबाजी कर रहा था, 20-21 दिन के लिए आया, कहता मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हैं सारा बंदरों की तरह उछल रहा था, जगह जगह जा रहा था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भीख मांग रहा है एप्लीकेशन इंटरिम बेल के लिए, कहता बेल मेरी एक्सटेंड कर दो। अब बताओ, अब उस टाइम उसे मेडिकल पे मांगी कि कैंसर हो जाएगा मेरे को, मेरा किडनी खराब, कैंसर अरे कुछ भी नहीं है यार, उसको टाइप 2 की जो शुगर होती है ना, वो भी इतनी डेंजरस नहीं है। आज कोर्ट, कल स्पेशल कोर्ट ने बोल दिया, वो सिर्फ ड्रामेबाजी पखंडबाजी थी। वो कह रहे ना मैं डेमोक्रेसी को जो है ना, मैं डेमोक्रेसी के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पर जेल के अंदर मुझे जेल हो रही है, कोई डेमोक्रेसी के लिए जा रहा है, इसकी अपनी हिपोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी है, उसकी वजह से जाना। पर सौरभ भारद्वाज जो मिठाई खिला रहे थे उनकी जेल वाली फोटो पे, केजरीवाल को लड्डू खिला रहे थे। अरे ये ऐसे ड्रामेबाजियाँ करते रहेंगे, ये और कुछ नहीं करेंगे, इनके पास कुछ नहीं है। सौरभ भारद्वाज, तीशी कुमार, तीशी जो मैराडोना है, वो बताओ, वो कहती थी, वो जब जेल में बंद था अरविंद केजरीवाल, कहती है जी उसका ईडी सीबीआई का जो अमित शाह दुरुपयोग कर रहे थे और सबको डरा के रखा हुआ था, उनपे बीच में बोले जो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके सारे विपक्ष को डरा के रखा हुआ था, तो जो तानाशाही थी ना वो अब उनकी कम हो जाएगी। दूसरी बात यह, जो किसान बिल या अग्निवीर जैसी जो बेकार जो स्कीमें थी उनको वापस लेना पड़ेगा, आना तो नरेंद्र मोदी नहीं था, अरे बैसाखी की सरकार है, बैसाखी की सरकार। एक मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, मैं कब से सुन रहा हूँ, आपने 3-4 बार कह दिया बैसाखी सरकार। चलिए मान लिया आपकी बात, आपका अपना ओपिनियन है, अगर जैसे मान लीजिए पूरा विपक्ष एक भी हो जाता है, तो क्या वो उसको स्ट्रॉन्ग सरकार कहेंगे या उसको भी वैसाखी सरकार कहेंगे? सरकार उसको स्ट्रॉन्ग सरकार नहीं कहेंगे। बहुत अच्छी बात है कि कोलेशन, एक मिनट, इनसे पूछिए कि देखिए हम तो कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे चाहे जो भी हो, इनसे पूछे प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, जो मैं यही कह रहा हूँ, कोलेशन गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में ज्यादा अच्छी होती है, कोलेशन गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे। सारे सुधार जो हुए हैं, एक आखिरी बात, सारे सुधार जो हुए हैं, अरे ये राजा बनाने का चुनाव नहीं था भाई, अब तो समझो। सुन लीजिए, एक मिनट, सुनिए ना भाई मेरी, 2014 में कोलिशन गवर्नमेंट थी कि या बीजेपी गवर्नमेंट थी? स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, नहीं थी। 2014 में एनडीए की गवर्नमेंट नहीं थी, सीटें थी, सीटों को छोड़ दीजिए ना, कोलिशन गवर्नमेंट थी, कोलिशन गवर्नमेंट नहीं कहेंगे उसे। ये देखिए अब ये मानेंगे नहीं, 19 में कोलिशन गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी, कोलिशन गवर्नमेंट इनका कहने का मतलब है, इनका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी पैसा की चलने वाले लोग हैं, मल्टीपल
ये मल्टीपल बैसाखी वाले लोग हैं, इनके पास तो दो बैसाखी है ना, एक अगर अगर नीतीश पलटू राम भी हो जाए फिर भी इनके पास मेजोरिटी है। मैं कह रहा हूँ फिर तीन सीटें आई हैं हमारे, हाँ जी तीन सीटें आई हैं हमारे, आम आदमी पे तीन आई है ना। अगर मैं ये कह रहे हैं कि ये बैसाखी की गवर्नमेंट है, ये पलटू राम नीतीश पलटू मारे, तो एनडीए के पास अभी भी बहुमत है क्योंकि 16 सीटें उसके नायडू की हैं। अगर ये कांग्रेस में चले जाते हैं इनकी क्या आशा, क्या ममता बनर्जी इनको जीने देगी? जे आपका अखिलेश जीतने देगा जो 37 सीटें लेके आया? इनके पास तो चार चार पांच पांच बैसाखियां होंगी, इनको डोमिनेट कर देंगे, सरकार भंग हो जाएगी, ये जनादेश। सर जी, सर 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 एक सेकंड, ममता बनर्जी और अखिलेश कभी भी सहन नहीं करेंगे उसको प्रधानमंत्री बनाना भी। सर एक सेकंड, क्यों कर देंगे? 37 सीटें अगला जीत रहा, अतीक अहमद को संसद में बैठा देते हैं अखिलेश यादव, ये कन्हैया कुमार को बैठाएंगे, एक देशद्रोही को। देखिए हार गए, मैं ये कह रहा अगर जीत जाते क्या उसको संसद में बैठा दो? चलिए हार, तो इनकी सोच देश के विरुद्ध ऐसी है, ये पैसा की नहीं, पैसा की लायक भी नहीं किया। मुस्लिम आरक्षण देने वाले चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को आरक्षण दे रखा, उसकी दया पे मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो वक्त मोड़ते दिया कर्नाटक, एक मिनट, कर्नाटक में कांग्रेस ने दिया वो बात, हाँ वो भी दिया है, कांग्रेस तो करती है पर मुस्लिम आरक्षण देने वाले आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण दिया चंद्रबाबू नायडू ने, उसकी दया पे मोदी सरकार बना रहे। ये मत, आज से पहले ये कोई टॉपिक था ही नहीं कि ये एनडीए में चंद्रबाबू नायडू साथ है नहीं है, अब ये 4 तारीख के बाद एक्चुअल में अपोजिशन को बड़ी चिंता होने लगी है नायडू। सर बात ये है, अभी कल तक लोग ये कह रहे थे जो चहेते हैं राहुल गांधी के नीतीश को तोड़ लेंगे, अरे सारे बिकाऊ है क्या आपकी तरह, सारे देशद्रोही है, राष्ट्र प्रेमी है नायडू भी, अरुण भी, वे आज राष्ट्र के लिए काम करने के लिए उन्होंने हाँगी और इस राष्ट्र के लिए काम करेंगे, तो ये गुमराह करने वाली बात ही नहीं। देश का जो देश का जनादेश है उसके लिए काम कर रहे हैं ताकि दोबारा से वोट ना हो, पब्लिक के ऊपर फाइनेंशियल इफेक्ट ना है, 100 करोड़ का खर्चा हुआ है, तो देश का जनादेश है मतलब उसको भी तो कुछ करना है ना, पब्लिक क्यों बार बार सफर करे। देखिए समझने वाली बात यही है कि जो कांग्रेस इतना जो है जश्न मना रही है, लेकिन एक्चुअल में ठीक है बीजेपी की 60 सीटें कम हुई है, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी अगर आप आंकड़ों में देखेंगे बीजेपी 240 है तो कांग्रेस दूसरे नंबर पर 99 है। और देखिए यहां पर जैसे जो चर्चा हुई कि 14 में कोलिशन गवर्नमेंट नहीं थी, 19 में कोलिशन गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन तब भी कोलिशन गवर्नमेंट थी एनडीए की, और तब भी आप एक चीज को अगर नोट करेंगे कि एनडीए के सदस्यों को जितना सम्मान उस समय भी दिया गया, बीजेपी चाहती तो अकेले फुल फ्लेज गवर्नमेंट चला सकती थी, 2014 में 282 सीटें थी, 2019 में 303 सीटें थी, लेकिन तब भी इन्होंने एनडीए के घटक दलों को मंत्रालय भी दिए, उतना सम्मान भी दिया, और वही आंध्रा में भी किया जहां पर 175 में से 164 सीटें, 175 में से 164 सीटें एनडीए वहां पर जीत करके आया, और उड़ीसा में भी पहली बार जो है बीजेपी गवर्नमेंट वहां पर बना रही है, 24 साल का नवीन पटनायक का बीजेडी का जो किला था उसको ध्वस्त करने के बाद। तो जनता की राय आपने कनॉट प्लेस से सुनी है, नो को जो है प्रधानमंत्री शपथ लेने वाले हैं फिर से एक बार, तीसरी बार, और ये इतिहास में दूसरी बार होगा कि कोई जो है गठबंधन के साथ तीसरी बार जो है लगातार शपथ लेगा, इससे पहले जो है जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा किया था। अब आपकी क्या राय है यहां पर लोगों की इस चर्चा से, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें प्यारा हिंदुस्तान के साथ।